नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति पूजा के महापर्व कमर छठ, खमर छठ या हल छठ की। इस पर्व को भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है और इसीलिए इस पर्व को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस पर्व को मनाने की परंपरा पशुपालन युग के पहले की है, अर्थात आखेट युग की। उस समय मानव कबीले में रहा करते थे और कबीलाई युग में आदि मानव का समाज महिलाओं को मातृशक्ति का रूप मानता था। वह शक्ति स्वयं की रक्षा करने में सक्षम मानी जाती थी, कबीले की मुखिया हुआ करती थी और सुरक्षित स्थानों में रहा करती थी। उस काल में भोजन वनोपज और पशुओं के शिकार से प्राप्त हुआ करता था, जिसे प्राप्त करने के लिए कबीले के पुरुष ही बाहर जाया करते थे, जिनकी रक्षा का भार वहाँ की माताओं के ऊपर होता था। इसीलिए इतिहास लिखने के पहले के इतिहास में, अर्थात प्रागैतिहासिक काल में, पूरे कबीले की भोजन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करने वाले पुरुषों की रक्षा हेतु वहाँ की माताएं उपवास रखती थी और वे जंगल से जो भी वस्तु लेकर आया करते थे उसे माताएं भोजन के रूप में ग्रहण किया करती थी। और तब से ही इस पर्व को मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई होगी, क्योंकि इस पर्व में श्रम से पैदा हुए अनाज की नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की पूजा की जाती है, जैसे महुआ के वृक्ष के फूल पत्ते और डंगाल की। महुआ का वृक्ष वनों में बहुतायत रूप में पाया जाता है। पसहर चावल की, जिसे खेतों में हल जोतकर नहीं उगाया जाता बल्कि ये बिना हल जोते ही खेतों की मेड़ में, तालाब के किनारे और अन्य स्थानों पर उग जाता है। आई थिंक ये दुनिया का पहला अन्न रहा होगा, क्योंकि कृषि युग तो बहुत बाद में आया था। भैंस की दूध और दही की, आदिम काल में दूध देने वाले पशु के रूप में भैंस ही होगी जिसके दूध को पहली बार मानव समाज ने चखा होगा, बिना श्रम के पैदा होने वाले भाजी की और पानी की, जिसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण अंचल में इस दिन इस पर्व से संबंधित जिसके भी घर जो भी वस्तुएं होती है उसे महिलाओं के द्वारा आपस में मिल बांटकर सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाया जाता है, मानो पूरा गांव ही एक परिवार हो। इस दिन महिलाएं सुबह से ही सूर्यास्त से पहले उठकर महुआ डंगाल की दातून कर और स्नान कर पुत्र प्राप्ति, पुत्र की सुख समृद्धि और पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी देवी के निमित्त व्रत रखती है। फिर दिन में सूर्यास्त से पहले महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से गांव की चौपाल में या फिर घर के आंगन में दो बनावटी तालाब सगरी बनाया जाता है और इसे झरबेरी और कांसी के फूल से और बेर और पलाश के पेड़ों के पत्ते एवं टहनियों से सजाया जाता है। इसी कांसी के पवित्र घास से इन दोनों सगरी को जोड़कर समन्वय का संदेश दिया जाता है। इस सगरी के किनारे शिव पार्वती की प्रतिमा, मिट्टी से बनी हुई हल षष्ठी देवी और कलश की स्थापना करके इनकी पूजा की जाती है। चूँकि इस पर्व को भाद्र माह के छठवें दिन मनाया जाता है, मतलब कि षष्ठी के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इस पर्व में 6 की संख्या का विशेष महत्व होता है और इसीलिए इस पर्व में 6 प्रकार के अन्न की लाई, जैसे धान, चना, लाख, लाखड़ी, राहर और भूंजे हुए महुआ की फूल की लाई, 6 प्रकार की भाजी, मुनगा, करेला, बर्री, मुस्केली, मतलब जो भी उस ऋतु में भाजी उगाई जाती है वो भाजी, 6 प्रकार के खिलौने, बाटी, भवरा, गिल्ली, फुग्गा, गेड़ी, चरखी और इसके अतिरिक्त पसहर का चावल, भैंस की दूध और दही और पोता को पहले सगरी में चढ़ाया जाता है और उसके बाद शिव पार्वती के समक्ष रख के
इनकी पूजा की जाती है और हल षष्ठी देवी की छह कथा सुनाई जाती है। पूजन के बाद माताएं अपने संतान के पीठ में छह बार पोता मारती है और उसे अपने आंचल से पोछती है। ये माता के द्वारा पुत्र को दिया गया रक्षा कवच का प्रतीक माना जाता है। ये पोता वास्तव में छह रंग के छोटे कपड़ों के टुकड़े होते हैं, जिसे पसहर चावल के पेस्ट में डुबाया जाता है और दोने में रखकर उसे सगरी में डाला जाता है और उसके बाद फिर इसे शिव पार्वती के समक्ष रखकर इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद माता और परिवार के सभी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रसाद के रूप में महुआ के पत्ते के दोने में पसहर चावल की खिचड़ी, भैंस की दूध या दही और छह प्रकार की भाजी को ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माताएं ना हल जूते हुए भूमि के अनाज को ग्रहण करती है और ना ही इस भूमि पर चलती है। तो इस प्रकार से हल षष्ठी के पर्व को पूरे ग्रामीण अंचल में सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा प्रकृति की पूजा और पुत्र के दीर्घ आयु की कामना हेतु धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि वासुदेव देवकी के छह पुत्रों को कंस के द्वारा कारावास में ही वध कर देने के बाद देवकी ने अपने सातवें शिशु के जन्म के समय ऋषि नारद की सलाह पर अपने पुत्र की रक्षा और उसकी दीर्घ आयु के लिए हल षष्ठी के निमित्त व्रत रखा था और तब योग माया ने देवकी के गर्भ से शिशु को खींचकर वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था और उसके बाद देवकी के गर्भ से संकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ से बलराम जी पैदा हुए थे। तो इस प्रकार से इस पर्व को श्री कृष्ण के भ्राता बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, हल षष्ठी पर्व के महत्व को जानकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पर्व को और भी गहराई से जानने के लिए, उनसे संबंधित अनछुए पहलुओं से उजागर होने के लिए आप हमारे साथ हर शनिवार को जुड़े रहिए रात 8 बजे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।